الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد أما بعد وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ولنبلونكم بشيء من القول والجوع ونقصا من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله فإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون किसी ने भी चीज के साथ खौफ यानी डर और भूख और कमी अंबार की और कमी जानवर की और सम्राट यानी निवाह जिंदगानी की कमी और खुशखबरी जो उन सब करने वालों को जब उन पर कोई मुसीबत आए तो उनका कौल ये हो कि हम अल्लाह के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमको पलट कर जाना है। ये वो हैं जिन पर दुरूद है उनके परवरदिगार की तरफ से और रहमत है और यही लोग राह हिदायत पर पाएंगे। لنبلونكم في الأرض جس سے آیت شروع ہوئی ہے یہ بلا لنبلونكم تو یہ ابتلاء سے نہیں ہے بلا سے اور بعض لفظیں عربی کی ایسی ہیں کہ ہماری اردو میں آ کے وہ اپنے اصل محل سے ہٹ گئی ہیں۔ لفظ عربی کی ہے اور معنی اردو کے ہیں اس کی وجہ سے اکثر خیالات میں غلطی بھی پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر ایک حدیث ممبروں پر آپ نے سنی ہوگی بہت اکثر کہ من بقا علی الوطن فقط احسن بالنبی و فاطمہ۔ اب اس کا ترجمہ جو اس طرح احسان کے لفظ کو رات اردو میں کیا جائے گا تو اس سے میرے تو رونتے جیسے خبر ہو جاتی ہے، یعنی ترجمے میں وہی احسان کی لفظ لے آئی جاتی ہے کہ جو جس نے گریا کیا حضرت عثمان حسین السلام پر اس نے پیغمبر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ اور میں کہوں گا معاذ اللہ احسان کیا۔ احسان کے لفظ اردو میں
उसके मानी में आ गया है कि वो शब्द इसका मुस्तहिक नहीं है। हम गोया अपने लुत्फ करम से उसको कुछ अटा करते हैं तो वो एहसान है। आप अपने यहाँ इसके लफ्ज़ के इस्तेमाल के मतलब देख लीजिए, किसी शब्द ने आपसे कर्ज, किसी शब्द ने आपको कुछ कर्ज दिया हो और उसको जरूरत भी है, आपको मालूम हुआ कि उसे जरूरत है, आपने ले जाकर वो कर्जा उसका बरमहल अदा कर दिया। तो कहता बड़ा एहसान किया आपने जिसको ये दे दिया, तो फौरन आप जवाब कहेंगे कहेंगे कि एहसान कैसा, वो तो मेरे दिन में वाजिब अदा था। अब मैं देख लीजिए एहसान कैसा, इसके मानी ये है कि एहसान वो है जो बिला इस्तेहकाक हो। और ये चूंकि आपका हक था मेरे दिन में कर्जा का, लिहाजा मैंने उतना कर्ज अदा किया और अपने गलती हासिल की, तो आपको एहसान कैसा, तो अब एहसान का मफहूम बिल्कुल नुमाया हो गया। अब वो जुमला कहिए जिसने गिरिया किया, उसने रसूल फातिमा पर क्या एहसान किया, जैसे ये वैसे ही तसव्वुर है, जैसे कोई समझे कि हमने इबादत की तो अल्लाह पर एहसान किया। तो जिसके हम पर हुकूक इतने हों तो उम्र भर इबादत करें तो उसकी नेमतों का हक ना दाओ, तो उसकी इबादत करना उस पर एहसान है। इस मानी के एहसान के लिए अरबी में लफ्ज मन है, मिन्नत के मानी है इस मानी का एहसान करना। चुनाचे कुरान मजीद में है कि ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल्ईमान। यहाँ वो मानी है कि तुम मुझ पर अपने इस्लाम लाने का एहसान न जिताओ बल्कि अल्लाह का एहसान है तुम पर, तो उसने तुमको ईमान की हिदायत की। तो अब एहसान का माल आपने देख लिया कुरान मजीद में, उसके लिए जो लफ्ज आई उसके तर्जुमे में मैंने कहा एहसान समझ में आ गई, बस तो वहां यह गलती क्यों हुई, इसलिए कि हमने अरबी के लफ्ज एहसान को सर्व कर दिया तर्जुमे में और तर्जुमा है उर्दू, लिहाजा जो एहसान के उर्दू मानी थे वो हमारे जहन में आए, और इसीलिए हम एहसान के साथ पर कहते हैं। वो पर खुद एक बार का पता देता है, जैसे अरबी में मन के साथ आया आला ला तमन्नु अलैया, वैसे ही हम कहते हैं पर एहसान। पर के मानी है कि ये हमारा बार है उसके कांधे पर, और अरबी में एहसान के साथ ऐलानिया का भी आता है फकद अहसना बिन नबी है, उस जुमले में भी अहसना के साथ भी है, तो उसमें वो बार इम्तिनान नहीं है। एहसान के मानी है हुस्ने अमल, इसीलिए कुरान मजीद में कहीं कहीं आमनू के साथ ज्यादातर अमीनु सालिहात है, लेकिन कहीं पर आमनू वाह करू
تو احسنوں کے معنی وہی ہیں جو عامل صالحات کے. اب کیا معنی؟ اب یہ معنی ہے کہ جس نے حسین پر گریا کیا اس نے پیغمبر و فاطمہ کا ایک ایسا حق ادا کیا جو ادا کرنا چاہیے, ایک ایسا عمل کیا جو ہونا چاہیے. یعنی یہ ایک اس میں عمل ہے, اس میں وہ تصور اس احسان کا نہیں ہے. لو غربی معنی اردو, ایسے ہی اور بہت سی لفظ ہیں چنانچہ انہیں میں سے ایک بلا کی لفظ ہے, کہ ہمارے نزدیک بلا تو بلا کی چیز ہے یعنی بہت ہی خراب سنا تو بلا ہے. رسی ضبوط بلا ہے ولی بخیر گزر, تو بلا کے معنی ایک بری چیز. اور ایسے ہی ایک اور لفظ ہے فتنہ, یہ فتنہ بھی ہنگامے بے محل کو کہتے ہیں. اب کیونکہ اردو میں ان میں یہ معنی ہے, جب عربی میں یہ لفظ ہم سنیں گے تو وہی مقام ذہن میں آئے گا جو اردو میں ہمارے ذہن نشین ہے. تو آپ دیکھیے بھلا کا وہ مفہوم جو آپ کے یہاں اور خالق نے اپنے حکم کو جو قربانی اسماعیل کے لیے تھا ارشاد ہوا لہو البلاء المبین, یہ بہت ہی بڑی, اب آپ کہیے بھلا کی ماں اللہ خدا نے خلیل پر کوئی بلا نازل کی تھی تو معلوم ہوا کہ بلا کی رب سے بلا کے معنی نہیں سمجھ میں آتے. اور اب کتنے کے معنی جو ہماری نظر میں برے ہیں, برا آدمی کیا ہے تو کتنا ہے وہ بھی ایک مذمت ہی ہے, اور کتنا برپا کر دیا وہ بھی ایک غلط اقدام کو کہتے ہیں. اور اب جو اس قرآن مجید کی آیت نے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارے مال اور اولاد, اب اگر وہی سب لفظ دہرا دیجیے تو معنی یہ ہوگا کہ دونوں گوئے فتنے ہیں. اب کوئی ظاہر جو خوش کہہ دے کہ ہاں اموال تو واقعی فتنہ ہے, مگر میں کہتا ہوں کہ مال اگر ایسی بری چیز ہوتا تو قرآن مجید میں ہر جگہ یقین طلاق کے ساتھ یقین زکات کیوں ہوتا, کہ زکات بغیر مال کے ہوتی نہیں. تو خدا کیا چاہتا ہے کہ ہر آدمی فتنے میں مبتلا رہے, ہر آدمی فتنہ پر دانت رہے, مگر اموال کو کوئی زائد کہہ دے لیکن اولاد کو بھی کیا فتنے ہی سمجھے. یہ اولاد بری چیز ہے, یہ کوئی روحانیت والا نظام کرتا تو خیر, لیکن قرآن جہاں اعلان ہو گیا کہ لا روحانیت الاسلام, اسلام میں روحانیت نہیں ہے, جہاں پیغمبر ترغیب دے کثرت اولاد کی کہ میں ناز کروں گا اپنی امت کی کثرت کے اوپر, تو وہاں یہ تصور کیوں کر ہوگا کہ اولاد کتنا ہے. تو یہ بلا میں بھی غلطی ہوئی ترجمے کی وجہ سے, اور فتنے میں بھی غلطی ہوئی ترجمے کی وجہ سے. نہ بلا کے معنی اس بلا کے ہیں اور نہ فتنے کے معنی اس فتنے کے ہیں, بلا کے بھی معنی امتحان اور فتنے کے بھی معنی امتحان. یقیناً ضرور
हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। अब ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पांच मजलिसों का सिलसिला है, इसलिए कल पे गोया फलसफा इम्तिहान अर्ज करूँगा कि आखिर अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान क्यों लेता है। मगर बहरहाल कुरान मजीद में जा बजा मुख्तलिफ लफ्जों से इम्तिहान का ऐलान किया गया है, यहाँ तक के वजह तकलीफ इम्तिहान को करार दिया। क्या इंसान का ऐसा भी होता है जब वो बिल्कुल ये काबिल चलती रहना चाहे, हमने पैदा किया कल किया इंसान को मिले जुले हुए नुस्खे से नब तली है, उसको महल्ले आजमाइश में लाने के लिए और इसी के लिए उसको गोशे सेनवा और चश्मे बीना आटा की उसको समीर और बसीर बनाया, कुवत तमाश अटा की और कुवत बता रहे अटा की। तो असल तकलीफ इंसान का मकसद नब चलिए, हम उसको महल्ले आजमाइश में लाए। तो अब आज जो अर्ज करना है ये कि आखिर ये इंसान ही क्यों इस लायक था कि वो महल्ले आजमाइश में लाए थे। अगर पत्थरों की भी आजमाइश होती, जमादात की, नबातात की भी आजमाइश होती, हैवानात की भी आजमाइश होती, तो फिर इंसान की जरूरत क्या थी कि वो इंसान को खल किया जाए ताकि महल्ले आजमाइश में लाए। ये इंसान जी को कहना कि हमने इसको खल किया ताकि इसको महल्ले आजमाइश में लाए, इसके मानी ये है कि आजमाइश का मकसद उनमें से किसी से पूरा नहीं होता था, वो आजमाइश का मकसद इसी से पूरा हो सकता है जिसका नाम है इंसान। तो अब इसके लिए जो अगर आपके उन मजालिस में शरीक थे जो सूरह वलासुर पर हुई, तो वो तमीम आज के बयान की उनके जहन में तो बिल्कुल आ सकती है। यानी मैंने अर्ज किया कि इंसान के अलावा जितनी और मखलूक है वो तमाम बस एक रुखी है, यानी बस जो खासियत उनमें तबीयतन पाई जाती है उसी के तहत में उसके अफाल हो सकते हैं। एक तरफ जमादात नबातात हैवानात को पूरे बयान में उनके लिए तो दोहराना हो जाएगा जो कि उन मजालिस में माशाअल्लाह शरीक थे। तो वो सब मैंने कहा कि उनके बुरे अब मजम्मत के काबिल भी काम है, कुछ में अच्छा इनाम भी है हैवानात में, कुछ में ऐसे औसाफ हैं जिनकी तारीफ लोग करते हैं, किसी जानवर की वफा में ठूक और इसी तरह और मुख्तलिफ बात। और शजात अगर अच्छी सेवत में होती तो शेर के साथ बड़ी हस्तियों को क्यों तस्वीर दी जाती, मालूम है कि शजात वो बहादुरी जो उसमें है वो अच्छी सिफत है, सबको बुलंद हस्तियों को भी मजाजन ताबीर किया जाता है शेर के साथ, तो मालूम है कि उनमें अच्छी सिफतें भी हैं बुरी सिफतें भी हैं। अब ये सूरत से उन मजालिस में रियत किया था मगर मतलब यही था उसमें अंदाज दूसरा था। तो ये अच्छी भी सिफतें हैं इनमें हैं बुरी भी सिफतें हैं, मगर जो अच्छी भी सिफतें हैं वो भी मुक्तदाए तबीयत हैं और जो बुरी सिफतें हैं
वो भी मुक्तदायक अभिव्यक्त है। लिहाजा जो अच्छी सिफतें हैं उन पर मजा होगी, शुक्रिया नहीं होगा, और जो बुरी सिफतें हैं उनकी मजम्मत होगी, मलामत नहीं होगी। लेकिन ये इंसान इसमें सलाहियतें दो तरफा है, यानी मैंने महाविताबी किसी के लचकदार मखलूक रखने की भी सलाहियत, और बहुने का भी इम्कान, पश्चिम में आने की भी सलाहियत, बुलंदी पर जाने का भी इम्कान। तो ये इसमें सलाहियतें दोनों तरह की हैं। जब दोनों तरह की इसमें सलाहियतें हैं तो जिस तरह वहां मैंने कहा था कि और कहीं खतारा है कतवाल नहीं, वैसे ही और किसी में आजमाइश कतवाल नहीं। इच्छुका तो काम ही टैंक मारना है, आप उसे हाथ पर बिठा के इम्तिहान लीजिएगा कि टैंक मारता है या नहीं। शेर का तो काम ही पालताना है, उसके सामने जाइएगा ये इम्तिहान लेने को, ये देखें फावता है या नहीं। आपका काम ही तो जला देना है, क्या आग में जाइएगा इस आजमाइश के लिए कि ये जलाएगी या नहीं। दरिया का काम डुबो देना है तो आप बगैर तैराकी का फन जाने हुए उसमें फांदिएगा, सिर्फ ये देखने को कि डूबते हैं हम या नहीं, और ये डूबता है हमें या नहीं। जनाब दोनों खासियतें हैं, उसमें खासियत है डुबो देने की, आप में सलाहियत है उससे बचने की, और अगर वो सलाहियत आप में नहीं है तो आप भी खासियतन डूबिएगा। डूबना खासियतन होगा, बचना अपनी सलाहियत से होगा। फला वाला जब उन्होंने घटने के सिवा बहुने का इंकार नहीं तो उनमें भी आजमाइश का सवाल नहीं, और उधर है फिरिश्ते उनकी भी आजमाइश नहीं करना है कि देखें वो इबादत करते हैं या नहीं। और वो तो इबादत के तो खास अंदाज ही पर उनकी फितरत ढली है, मगर हाँ उनके अफाल बगैर इरादा नहीं है। वो वैसा वैसी खासियत नहीं है, यानी रुकू उनका बिना इरादा नहीं है, अरे इरादे के साथ। अगर बिना इरादा होता तो फिर वो उसके छोड़ने पर काबिल ना होते। अगर बिना इरादा होता वो रुकू से दूर, तो जब उन्होंने माल पहचान लिया तो क्यों रिजवान जल्दी होके आ जाते, और क्यों अमल आयता मदद के लिए आ जाते। इसके मानी ये है कि आयले मुख्तार वो भी हैं, मगर इख्तियार उनका हमेशा जाता है नेकी की तरफ, क्योंकि मुहर्रिका के बदी नहीं है। इंसान में भी अगर मुहर्रिकात बुराई के ना हो तो फितरतन वो अच्छाई की तरफ जाएगा। और ये मानी है उसके तो कुल मौलूद यूलद अल्लाह फितरत इस्लाम, हर मौलूद फितरत इस्लाम को पैदा होता है, यानी अगर खाली हवाओ ना हो, मुहर्रिकात ना हो दूसरे, तो हमेशा वो उसी रास्ते पर जाएगा जो अल्लाह को पसंद है। तो ये दूसरे मुहर्रिकात हैं जो उसको गलत रास्ते की तरफ ले जाते हैं, मगर उसमें उन मुहर्रिकात से असर लेने की भी सलाहियत है, और मुहर्रिकात से असर न लेने की भी सलाहियत है। जो उस सलाहियत को बरूए कार लाए हुए हैं वो मासूम हैं।
جو اس صلاحیت سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں وہ گناہگار ہیں, مگر ان کی اطاعت بھی ارادی, ان کی اطاعت بھی ارادی, فاعل مضطر نہیں ہے, ملائکہ بھی وہ بھی فاعل مختار ہیں, مگر اختیار ان کا اطاعت کی طرف بغیر مزاحم کے ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس اختیار میں, انسان کے لیے رکاوٹیں ہیں. تو اب انسان میں صلاحیت گھٹنے کی بھی ہے اور بہنے کی بھی ہے, انسان میں صلاحیت اطاعت کی بھی ہے, معصیت کی بھی ہے, کیونکہ دو قسم کی صلاحیتیں ہیں. تو اب امتحان کے معنی ہیں کہ مواقع دینا اس کی صلاحیتوں کو عالم فعلیت میں لانے کے, یعنی اگر وہ مواقع نہ ملے تو اس کا جوہر نہ کھلے کہ اس میں کون صلاحیت ایسی ہے کہ جس کو یہ بروئے کار لائے. ان صلاحیتوں کے بروئے کار لانے کے لیے مواقع دینے کا نام امتحان ہے. اگر مال و دولت ملتا ہی رہے تو پھر جناب والا انار کے جوہر کا ظہور کیوں کرو؟ اگر کبھی مصیبت آئے ہی نا تو صبر کے جوہر کا امتحان کیوں کرو؟ اور جناب والا اگر مارکہ جنگ کوئی سخت آئے نہیں تو ثابت قدمی کی صفت کا مظاہرہ کیوں کرو؟ اور اب اس کے برخلاف دیکھ لیجئے کہ اگر سخت موقع نہ آئے تو گریز پاس راج کے ایک کردار کا ظہور کیوں کرو؟ تو یہ امتحان ہے صلاحیتوں کے نمایاں کرنے کے لیے مواقع دینے کا. اگر حکم ہو ہی نہ چلے کے طلبا کرو تو خلیل کا مقام اطاعت کیوں کر جاننے آئے؟ اگر وہ آکر سے نمرود مشتری ہی نہ ہو تو خلیل کے سبا کے قدم کا جوہر کیوں کر سامنے آئے؟ نام اس کا امتحان ہے, مگر حقیقت میں وہ مواقع فراہم کرنا ہے انسانی جوہروں کے نمودار ہونے کے. اور جناب یہاں تک تو ایسا تھا جو شاید کچھ افراد پورے طور سے دیکھنے کے لیے نہیں کر سکتے, ان شاء اللہ ہوں گے پھر یہ سب لوگوں کے ذہن میں مطلب تو آ ہی گیا ہوگا, چاہے کچھ لفظ ہیں ادھر ادھر, مگر جو لفظ نہیں بھی سمجھ میں آتی وہ پھر سے آپ کو سے آپ سے سمجھ میں آئے گا. اب جناب وہ ہر دفعہ میں کہہ چکا کہ مجھے طلبا ہی آ جاتے ہیں, زندگی گزری ہے جلگاؤں میں, لہذا ہمیشہ انہیں سے تابقہ رہتا ہے تو انہیں کے یہاں کی مثالیں سامنے. تو جناب مجھے لکھنؤ یونیورسٹی میں نگران ہونے کا بہت موقع ہوا امتحانات میں, جو نگران ہوتا ہے اس کو 3 گھنٹے کا وقت گزارنا وہی مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ 3 گھنٹے میں آئینی طور پر کوئی اور کام بھی نہیں کر سکتے, کوئی اور مشغلہ نہیں کر سکتے, اختیار کر سکتے, ورنہ قرض میں تو چاہیے. تو بہرحال اب ظاہر ہے کہ جب آدمی کو فرصت ہے تو ہر چیز غور سے دیکھے گا, ہر چیز پر اسے توجہ ہوگی. تو اس لیے اب امتحانات کے خصوصیات بھی مجھے یاد ہیں, پورے ظاہر ہے کہ ہر دفعہ ذہن نشین ہوئے تو اب وہ ہر مرتبہ مجھے یاد آتے ہیں کہ جناب ایک دفعہ گئے کسی کمرے میں جہاں امتحان تھا, تو وہاں بس میرٹری کرسی تھی اور کاپیاں
જે કઈ લખ્યું કે લઈએ ઉસકે અલાવા કુછ ભી ના કર. દૂસરે દિન ગયા મસલન કિસી દૂસરે કમરે મેં ઇમ્તિહાન લેને ગયો તો દેખા કે આજ પત્રિયાં રખતી હુઈ હૈ. આજ વો જિસ તરહ કે જો ઉસકે કે મુસલ્લત બનાએ જાતે હૈ હા નામ આપ લેતે થે તો વો રખે હુએ હૈ પ્રકાર રખે હુએ. હમને પૂછા થા કલ તો યે કુછ નહીં થે યે આજ યે સબ ક્યું હૈ. ઉને કા જી કલ થા આઠ કાને હૈ આઠ પણ અગર હો યે કુછ વો સબ બહત હૈ રે બસ્તી તો કલ કાને હૈ ઉસમે તો બસ ધ્યાન જાગીએ બનાતા હૈ. ઉસમેં તો બસ તસવ્વુર કી લકીરે ખેંચી જાતી હૈ. ઉસમેં ઇત્તત કી જરૂરત નહીં થી. ઓર આજ મસલન પન્ને હૈ અબ મુઝે પતા નહીં નામ યાદ હૈ અબ જદીર નામ તો મુઝે યાદ હૈ યા ફલેદીસ ઇસ તરહ કી આજ આજ ઇમ્તિહાન પર કબર કે ઐસા તો અબ ઇસમેં દાયરે બનાને ઇસમે શકલે બનાને ઉપરે દીખતી ઓર ઇસમે લકીરે ખેંચના હૈ. લિહાઝા યે સબ રખા ગયા હૈ તો અબ ઇસસે ક્યા નતીજા નિકલા. ઇસસે નતીજા નિકલા કે જિસ કિસમ કા ઇમ્તિહાન લેના હો ઉસકે અસબાબ પર અમલ કરના ચાહીએ. બગૈર ઇસકે ઉસ શોબે કા ઇમ્તિહાન નહીં હોગા. એક દિન ગયે ક્લાસ મેં દેખા કે બાત હો રહી હૈ ક્લાસ મેં તલબે નહીં. અરે સાહેબ યે ક્યા હુઆ આજ ઇમ્તિહાન નહીં હૈ. ઉન્હોંને કહા જી નહીં આજ વો સબ શોર્ટ પર હૈ. ઇમ્તિહાન ઉસકા હૈ કર્નાટકા કા. વહાં જનાબ જબ તક સલેક્ટ ના હો ઉસ વક્ત તક યે ઇમ્તિહાન નહીં હો સકતા. યહાં તક કે કભી તો એસા હુઆ વહાં નિકળા નહીં થે મગર યે કે દેખા કે જનાબ સબ તલબા કિસી પહાડી પર લે જાય ગયે. વો માલૂમ હુઆ કે ઉસ પણ કા ઇમ્તિહાન હૈ જિસકા પહાડોં સે તાલુક હૈ. તો માલૂમ હુઆ કે જિસ કિસમ કા ઇમ્તિહાન હો વૈસે ઉસ બાત કા પ્રણામ કરના જુઝે ઇમ્તિહાન હૈ. અબ યહાં હૈ ઇન્સાની કિરદાર કે શોબોં કા ઇમ્તિહાન ઓર ઇન્સાની કિરદાર કે શોબે મુખ્તલિફ જિતને કિસમ કે અખલાક હૈ જિતને કિસમ કે અહકામે શરિયા હૈ જિતને કિસમ કે ઇન્સાન કે અચ્છે ઓર બુરે કામ હૈ વો સબ મુખ્તલિફ શોબોં કે ઇન્સાની કિરદાર કે મુતઅલ્લિક હૈ. તો યહાં ઇમ્તિહાન જો હૈ વો કિરદાર કા હૈ. જબ કિરદાર કા ઇમ્તિહાન હૈ તો જિસ કિસમ કા કિરદાર નુમાયા કરના હો યાનિ જૈસા પરચા ઇમ્તિહાન કા જિસ તાલિબે ઇલ્મ કો દેના હો ઉસકે હજમે હાલ ઉસકી જરૂરત કે મુતાબિક અસબાબ ફરાહમ કરના ઇમ્તિહાન કા ફરીઝા હૈ. અબ અગર કિસી કે સબ્ર કા ઇમ્તિહાન હૈ તો મુસીબતોં કા આના જરૂરી હૈ. ફક્ર ઓ ફાકે કા હોના જરૂરી હૈ. યે ફક્ર ઓ ફાકે મેં મુબ્તલા રખના દલીલ નારાજગી નહીં હૈ. રિઝા નારાજગી તો નતીજા ઇમ્તિહાન કા વાબસ્તા હૈ. યે ફક્ર ઓ ફાકા યા યે મસાઇલ કે તો જરૂરત ઇમ્તિહાન હૈ. ઓર અગર કિસી કહે શુક્ર કા ઇમ્તિહાન લેના હૈ યે બનતા હૈ ઇમ્તિહાન કા
उसको नेमतों की बारिश होना जरूरी है। वो नेमतों की बारिश दलील मेहरबानी नहीं है। फिर मेहरबानी और जब मेहरबानी नतीजे इम्तिहान से वाबस्ता है। ये नेमतों की बारिश तो बदल के इम्तिहान है। इसी तरह की अगर हाकिम तारे आया के साथ अच्छा या बुरा सलूक ये किरदार इंसानी है तो फिर जरूरत है कि तख्तोताज मिले, जरूरत है कि मसनद हुकूमत मिले। अब वो मसनद हुकूमत राय आमा से मिले या बाप की बिछाई हुई मसनद मिले। किसी भी सूरत से वो मसनद मिले, वो ताजा तख्त मिले, वरना इस किरदार का इम्तिहान ही नहीं हो सकता कि साहिब इख्तदार होने के बाद इसका किरदार क्या होता है। ये अदल करता है, जुल्म करता है, ये खल्क़े खुदा को फायदा पहुंचाता है, खल्क़े खुदा की बर्बादी का काम करता है। तो जो कुछ नाराजगी और रजामंदी होगी वो नतीजे इम्तिहान पर होगी। न वो दौलत दलील निदाय परवरदिगार, न ये सादत दलील परवरदिगार, भी बतौर इम्तिहान, ये भी बतौर इम्तिहान। इसी तरह अगर किसी शख्स के लिए इम्तिहान है उसके इस किरदार का है कि वो मरकज़े ज़ुल्म तशद्दुद होने के बाद क्या करता है, तो किसी जाबिर हुक्मरान से दे रहता है उसको जिंदगी गुजारने का मौका देने की जरूरत है ताकि देखा जाए तो शदाइद के मुकाबले में हिम्मत तो नहीं हार जाता और वो मसाइब के बाद पस्तीय किरदार में मुबतला तो नहीं हो जाता। तो अब न वो जालिम के जेरे तसल्लुत आ जाना दलील नाराजगी परवरदिगार, न उसका हुक्मरान बन जाना दलील रिजाय परवरदिगार, ये सब इम्तिहान के अंदाज हैं, ये सब इम्तिहान के तरीके हैं। नतीजा मुताल्लिक होता है उस किरदार से जो आलम ज़ुहूर में आए। और बात यही है आप अल्लाह की बड़ी मोहब्बत है कि मुझसे ऐसा मेरे दिलचस्प बयान और ऐसा खुश बयान आप अल्लाह सुन लेते हैं और फिर दूसरे दिन सुनने के लिए आते हैं।
کہ جس طرح کے حالات ذریعے امتحان ہوتے ہیں ویسے ہی کچھ شخصیتیں کچھ شخصیتوں کے لیے پرچہ امتحان بنتی ہیں. یعنی اگر فرعون نہ ہو تو موسویت پردے میں رہ جائے, اور اگر نمرود نہ ہو تو خلیلیت پردے میں رہ جائے, اور اگر یزید نہ ہو تو حسینیت پردے میں رہ جائے. اور اسی طرح سے ادھر سے کہ اگر ابراہیم نہ ہو تو نمرودیت پردے میں رہ جائے, اگر موسیٰ نہ ہو تو فرعونیت پردے میں رہ جائے, اور اگر حسین نہ ہو تو یزیدیت پردے میں رہ جائے. اور اسی لیے شاعر نے بہت پتے کی بات کہہ دی ہے کہ یزید کوئی انوکھا برا نہیں تھا, ویسے برے بہت سے ہیں, مگر کیا کیا جائے کہ ان بروں کے لیے حسین کا ایسا اچھا سامنے نہیں ہے, اس لیے ان کی برائی اس نقطے پر نمودار نہیں ہوتی. یس حسینی جی کو گردت, یہ کو مخفر ہے کہ وہ کا بعد میں کو گجا کے معنی میں سمجھ. یس حسینی نیز کو یعنی کہ وہ گردن شہید, ورنہ دیتی آورن در آورن یہ دی جن جن کو ہم برا سمجھتے ہیں, یزید کے مجھے دی جن جن کو برا سمجھتے ہیں ویسے برے بہت ہیں, مگر ان کے مقابل میں ویسے اچھے نہیں ہیں جیسے ان بروں کے مقابلے میں آ گئے تھے, لہذا ان کی برائی بہت زیادہ نمایاں ہو گئی اور برائی کا درجہ بہت بڑھ گیا. تو ہر شخصیت دوسری شخصیت کے لیے باعث امتحان ہوتی ہے. ہاں بعد میں کوئی غلط فہمی نہ ہو, اس کے معنی یہ ہے کہ جو اچھا ہے وہ خود اپنی جگہ اچھا ہے, جو برا ہے بہت بڑا گہرا فلسفے کا مسئلہ ہے, اس کو آسان لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو اچھا ہے وہ اپنی جگہ اچھا ہے, جو برا ہے وہ اپنے لیے برا ہے, لیکن خدا کی طرف سے وجود میں لانا دونوں کا اچھا ہے. یعنی اسے حسین کو بھی خلق کرنا چاہیے تھا, یزید کو بھی خلق کرنا چاہیے تھا, اور اب وہ سوال ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے شیطان کو نہ پیدا کیا, اگر شیطان کو نہ پیدا کر دے تو معصومی کا درجہ امتیاز کو نہ رکھا سلا دیجیے بڑے معلوم بات وہ ایک سلسلہ ہے جس میں فرعون بلا ترتیب ہے, فرعون یزید ابو جہل ابو لہب اس وقت لانا ابو سفیان پھر آخر میں یزید, یہ سب ایک سلسلہ ہے. اور ایک سلسلہ ہے جس میں ابراہیم موسیٰ حضرت محمد مصطفیٰ, اور جہاں تک کہ جس سلسلے کو پیش کر رہا ہوں آخر میں ادھر یزید ہے, تو ادھر آخر میں آخر میں ہماری نصیب نہیں ہے, مگر میں نے کیا کہ اس سلسلے میں جہاں تک میرا بیان ہے آخر میں ہوتا ہے. تو اب وہ
शादी को फिर नजर रखे इकबाल ने कह दिया मूसियो फिरौना कबीरो यजीद ईद कुवत अदहयात अहमद फजीद यानी मूसा और फिरौन कबीर और यजीद या तो आदमियों के नाम है लेकिन असल में ये दो कुवतें हैं सैर व शर की ये दो कुवतें हैं और बाकी की जिनके मजाहिर का नाम बाएतबार दौर जमाना बदलता जाता है तो एक वक्त में जो एक कुवत का मजहर है वो है मूसा और जो दूसरी कुवत का मजहर है वो है फिरौन और एक वक्त में जो एक कुवत का मजहर है वो है इब्राहिम और जो दूसरी कुवत का मजहर है वो है नमरूद और फिरासन में भी एक कुवत का जो मजहर है वो है हुसैन और जो दूसरी कुवत का मजहर है वो है यजीद ये बात करते वो जो है उसको समझिए कि वो एक मतलब है जिसकी मैंने अब इस मुद्दे से करा दी तो ये अब पहले मिस्र में हालांकि बहुत थे लेकिन जरूरत शायरी से दो ही नाम आए मूसी और फिरौन आ गए शब्दीर और यजीद आ गए तो शुरू इसके मानी है कि तख्ती के अंदर और नाम नहीं आते लेकिन इकबाल के जहन में नमरूद भी है और इब्राहिम भी है और वो सब दरमियान वाले इकबाल के हैं तो शुरू में तो सब है लेकिन उसके बाद देख लीजिए कि जिंदा हक और कुव्वत कबीरी है अब मूसा का नाम नहीं अब कुव्वत कलीमी अब नहीं है अब कुव्वत कबीरी है इसके मानी ये है कि वो अपने अपने वक्त के नाम तो सब अलग है लेकिन असल उस कुव्वत का नाम कुव्वत कबीरी है उसी कुव्वत कबीरी के हामिल अपने वक्त में मूसा है उसी कुव्वत कबीरी के हामिल अपने वक्त में इब्राहिम और क्या किया जाए कि कोई सिफत छोटे की ऐसी होती है कि वो बवा भी उसे अपनाने में उजो नहीं करता कि उसी कुव्वत कबीरी के हामिल अपने वक्त में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहता है कि हक इसी कुव्वत से रिंदा है यानी अगर कुव्वत कबीरी न होती जो अजल से मुख्तलिफ शक्लों में आती रही तो हक मुर्दा हो जाता और अब बकायदा एतराज अगर हक परस्त जो जो अफराद थे उनकी तरफ का नाम कुव्वत कबीरी था तो मानना पड़ेगा कि जो फिरौन में थी वो भी कुव्वत यजीदी है और जो नमरूद में थी वो भी कुव्वत यजीदी है और वही अबू जहल अबू लहब वगैरह में जो थी वो भी कुव्वत यजीदी थी उस दौर में उसका वो नाम था और असल में कुव्वत यजीदी थी जो हर दौर में कारफरमा हुई है यानी कुव्वत हुसैनियत हमेशा दूसरे नकाबों में थी सनिकट में बेनकाब होकर आई और कुव्वत यजीदी हमेशा रूपोट थी और अब वो बेहजाब होकर आई अब जो मैं कहता हूं उस पर देख लीजिए गौर कर लीजिए कि उसमें सेहत है या नहीं कि इसी दौर के हुसैन ने इसी दौर के यजीद की बैत नहीं की
नटाई जिसके बारे हरेक के लिए ना कुछ जवानी है। अगर मूसा फिर उनके सामने सर झुका देते तो डर बजट में फिरना पड़ता, डट नवर्दी की मुसीबत क्यों बर्दाश्त करना पड़ती, क्योंकि जंगल में उनकी वफात हो गई और अगर जनाबे इब्राहिम नम रूप की खुदाई तो तस्लीम कर लेते माँ अल्लाह तो आग में क्यों फेंके जाते, और इन्हें भी फिर देश से परदेश में क्यों जाना पड़ता, उनका मुल्क कोई नहीं था जहाँ से औलादी की नजर में गई कहाँ गई ये सब रात में थे तो ये शाम से हो जाते और फिर मित्र से हो जाते, बनी इसराइल बाद में मित्र में रहे तो ये सब नतीजे थे वही नमरून के इक्तदार के सामने सर न झुकाने के। और अगर हज़रत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वक्त के यजीदों की के मुतालबात को मंजूर कर लेते जो वो चाहते थे ये भी उनके हमनवा हो जाते तो जिसमे मुबारक पर पत्थर क्यों खाना पड़ते और अजीजों के लाके क्यों देखना पड़ते और तमाम मसायब मुश्किल जिंदगी के क्यों बर्दाश्त करना पड़ते, तो नेता उस पर ये नतायज मुरतब हुए और फिर भी नहीं माने, यानी फिर भी उनके मुतालबात को नहीं तकलीम किया सब कुछ सहने के बाद, और जिस चीज को जो जो सहना पड़ा लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं बदली। अब अगर इसी का नाम जिद है तो कौन नबी जिद्दी में था, और खुदा की कसम ये हम तक कयाम हक का पहुंचना उन सब की जिदों का सबका। अगर पहले ही अलम बरदार हक बातिल के सामने सब झुका देता तो आज अब हम तक बतौर अमानत न पहुंचता। ये हक की अमानत जो दस बदस हम तक पहुंची है ये उन्हीं साबित कदम अपराध की बदौलत है। अब लफ्ज बदली लिए मैं उसको समा के कदम कहता हूँ, कोई उसको जिद कहता और मैं कहता हूँ कि हमेशा अहले बातें उस सभा के कदम से अपनी शिकस्त महसूस करके फिर झुंझला के जिद कहते हैं। अरे वो मावरा तारीख की बातें हम तक उनकी बातें पहुंची नहीं, ये फिरौन वाले यही कहते होंगे कि मूसा बड़े जिद्दी कि इतना हमने किया आप भी नहीं मानते, और नमरूद वाले यही कहते होंगे कि मूसा इब्राहिम बड़े जिद्दी ये सब कुछ हो गया और फिर भी राह हक नहीं हटते, और वो सब यही कहते होंगे अबू जहल वगैरह कि ये बगल रिद्दी के पत्थर खा रहे हैं नहीं मानते, ये तमाम मसाइल उठा रहे हैं और फिर भी नहीं तस्लीम करते। अब सब उन सब की बातें हम तक नहीं पहुंची क्योंकि उन फिरौन वालों की नस्लें अब तक नहीं आई।
हुसैन ने जो नहीं माना तो हम तक पहुंच गई, क्योंकि उसको जिद कहा गया वो जिद नहीं कहने वाली आज तक रह गया। तो ये गुस्से में आके जिद करते हैं कि हमारा मकसद न पूरा हुआ। हम चाहते थे ये हमारे सामने सर झुका दे, ये दाए दिल है बातिल का, जो हक परस्तों की तरफ से है, और जब तक दुनिया में एक हक परस्त भी बाकी है चाहे किसी भी खत्ते यार पर, उस वक्त तक दुनिया वालों को गुस्सा उस पर रहेगा। मकसद में बयान कर चुका हूँ, इतना बयान में मतलब आपके सामने आ गया, मतलब उसको समेट कर चंद लफ्जों में वही इकबाल के तसव्वुर को अपना कर कहता हूँ कि इसके मानी यह है कि इब्राहिम उस वक्त मजाजी तौर पर होता है इनसे मकाम हक परस्ती में या बातिल से टकराने में वो होता है इनसे, और मूसा भी अपने वक्त में वजह लुगवी से यानी हकीकत के लिहाज से उस वक्त मूसा थे मगर मजाजन सिफत की जिरकत की वजह से होता है इनसे, और फिर वो जब दखल कर चुका कि अपनी जगह पर राइल का ऊंचा होना बुलंद होना और चीज है, लेकिन किसी सिफत का नुमाया होना वो दूसरी चीज है कि मैं कहता हूँ कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बावजूद बलंदतर होने के फजाइल में, लेकिन ये के मकाम मुकावमत हक में लिहाज बातिल यानी बातिल के सामने हक के जमे रहने में और साबित कदम रहने की सिफत में हजरत मोहम्मद मुस्तफा भी अपने वक्त में हुसैन थे। और मैं कहता हूँ अब ये एक मफहूम है नाबिन हुसैन का, हुसैन को देखो तो मुझे पहचानोगे, मेरा सभा के कदम भी हुसैन में आज जाहिर हुआ है, और आज ये वजह दोहराने की मुझे आदत नहीं है, मगर सिलसिले कलाम के लिए नतीजा ताकि चस्पा हो जाए कि इब्राहिम अपने वक्त के हुसैन और मूसा अपने वक्त के हुसैन और हमारे पैगंबर भी अपने वक्त के हुसैन और फिर आदमी तौर पर फिरौन भी अपने वक्त का यजीद और नमरूद भी अपने वक्त का यजीद और अबू जहल अबू सुफियान वगैरह भी अपने वक्त के यजीद। बस अब इस जुमले के कहने के लिए मैंने ये सिर्फ दोहराया कि जब मजाजी हुसैन ने मजाजी यजीद की बयत नहीं की
પ્રયત્ન કરના ભાઈ લગ્ન મેં કહા કે પૂજન થી ટેક નહીં કરા સિલસિલા એક આ ગયા તો યાદ રખીએ કે જહાં હુસૈન રેડી કા મુકાબલા હોતા હૈ ઉસકા નામ કરબલા હૈ. اب مولانا محمد علی کا ٹیگ بھی بامانی ہو گیا. اب وہ جہاں بھی حق اور باطل کا مالکہ ہو وہ ایک کربلا ہے, یعنی موسیٰ فرعون کا مقابلہ ہوا وہ ایک کربلا تھی, اور ابراہیم اور نمرود کا مقابلہ ہوا وہ ایک کربلا تھی, اور وہ مدینے میں آ کر پیغمبر اسلام اور ان سب کا مقابلہ ہوا وہ ایک کربلا تھی, مگر جب وہ سب مجازی حسین تھے اور وہ سب مجازی یزید تھے تو لازمن ماننا پڑے گا کہ وہ سب مجازی کربلا تھی, کربلائیں تھی, اور یہ حقیقی کربلا تھی جو کربلا میں ہوئی. تو جب وہ مجازی تھی اور کربلا ہوتی ہے کربلا سے, تو اب اسی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مسائل جو کربلا کے ہوں گے وہ مسائل نہ موسیٰ کو برداشت کرنا پڑے, نہ ابراہیم کو برداشت کرنا پڑے, نہ ہمارے پیغمبر کو وہ سے مسائل برداشت کرنا پڑے. حالانکہ نہ جانے آپ ماشاء اللہ کا سے مجالس کی وجہ سے کم سے کم اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے کہ وہاں یا یہاں کہاں بیان کیا. ممکن نہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ماں اوزی نبی تب تو کما اوزی, جیسی حدیثیں مجھے ملی اتنی کسی نبی کو نہیں ملی. تو میں کہتا ہوں کہ ہم تو الحمد للہ مسلمان ہیں اور آپ کا ارشاد ہمارے لیے آمنا و صدقنا کہنے کے لیے کافی ہے, لیکن اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان سے پوچھ لے کہ تمہارے رسول کا یہ ارشاد ہے, بر بنا واقعات ثابت کرو کہ تمہارے رسول کو جو ایذائیں ملی وہ کسی پیغمبر کو نہیں ملی, اور پھر قرآن اور حدیث اور آپ کی کتابوں سے وہ ان ایذائوں کی فہرستیں دکھا دے جو انبیاء اور مرسلین کو پہنچائیں. تو یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کے ساتھ زبانی کلام کم ہو جائے, چاہے زبان میں گرا پڑنے لگے, اگر حسین کو رسول سے الگ کر لے. لیکن اگر مصائب حسین مصائب رسول کی فہرست میں داخل ہیں تو رسول نے کوئی بات یہ تو نہیں کہ میرے جسم پر زخم اتنے آئے جتنے کسی نبی پر نہیں آئے. آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے ایذا اتنی پہنچی. اب پوچھ لیجئے کسی بھی حساس انسان سے کہ اولاد کی تکلیف سے اسے ایذا ہوتی ہے یا نہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ فاطمہ زہرا کے لیے ہو وہ بھی رسول کی ایذا, جو کچھ حضرت علی ابن ابی طالب السلام کے بھی ہو وہ بھی رسول کی ایزا, جو کچھ کربلا میں ہوا وہ بھی رسول کی ایزا. اور اب یہ تلخ بات ہے, کہیں میں بھی اس کی زد میں نہ آ جاؤں کہ قیامت تک کے لیے اس کے دین کے خلاف جو بھی اقدام ہوتا ہے وہ پیغمبر کی ایزاؤں کی فہرست میں داخل. اگر ان کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے, اگر ان کا دین قیامت تک کے لیے ہے, تو اس دین کے اوپر جو مسائل ہوں کسی بھی دور میں
वो सब पैगंबर के मसाइल में दाखिल हैं। अब बताइए कौन नबी आता है नौबत इम्तिहान में हमारे रसूल के सामने, और कौन पैगंबर आता है मौके इम्तिहान में हमारे रसूल के सामने। तो ये करबला है, जब करबला है तो फिर यहाँ मसाइल भी जो होंगे वो कहीं ही नजर आएंगे। और इसीलिए वो पहला जो उसके किसी ने बैत नहीं की उसके लिहाज से मैं कहा करता हूँ कि इमाम हुसैन साहब ने कोई नया काम नहीं किया, उन्होंने वही किया जो इनके पेशवा होने का चलते आए थे। किसने बैत की थी, इन्होंने कोई नया काम नहीं किया, और इसीलिए इमाम ने फरमाया कि अस्सलाम वालेका या वारिसा आदम सबतिल्ला, अस्सलाम वालेका या वारिसा नूह नबील्ला, अस्सलाम वालेका या वारिसा इब्राहीम खलीलिल्ला। क्या ये नसबी विरासत है? अगर नसबी विरासत होती तो इसमें ये ना आता कि अस्सलाम वालेका या मूसा कलीमिल्ला, अस्सलाम वालेका या ईसा रूहिल्ला, क्योंकि वो शजरे में इनके नसब के नहीं आते। मानना पड़ेगा कि ये नसबी विरासत नहीं है, ये हिफाजत हक की विरासत है। वही काम जो आदम से चला था, वही काम जो नूह ने अंजाम दिया, वही काम जो इब्राहिम ने अंजाम दिया, वही काम जो मूसा और ईसा ने अंजाम दिया, वही काम जो हजरत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया, वही काम था जो इसमा हुसैन के कांधे पर था, और ये उसी काम को अंजाम दे रहे थे। तो इन्होंने कोई नया काम नहीं किया जो किसी ने न किया हो, मगर फिर भी कहता हूँ कि इनके कुर्बानी की मिसाल यानी करबला की मिसाल न अव्वलीन में है न आखरीन में है। तो कोई कहेगा कि ये मुतज़ाद बातें हो गई, अभी तो कहा ये कोई नई बात न थी, और अभी कहा कि इसकी मिसाल न अव्वलीन में न आखरीन में। मैं कहता हूँ मैंने दोनों बातें समझ के कही हैं। इन्होंने किया वही जो हमेशा किया गया था, मगर हुआ इनके साथ जो वो किसी के साथ नहीं। और इसे मैं यूं भी कह सकता हूँ कि हमेशा बातिल के हक में कुछ हसरत रह गई। इतना तो बर्दाश्त इन्होंने कर लिया, इतना हमने क्यों और न किया, तो उसे तो फिर बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर हमारा मकसद हासिल हो जाता। और उसी एतबार से साबिर के मुताल्लिक गलत फहमी रह गई कि इतना तो कह गए, इतना तो बर्दाश्त कर लिया, मगर इससे ज्यादा कुछ और होता तो उसे बर्दाश्त न कर सकते। बस ये बात करबला में हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब जुल्म सोच नहीं सकता कि इतना इजाफा और होता तो शायद मकसद हासिल हो जाता, और अब साबिर के मुकाबले सोचा नहीं जा सकता कि इसे तो न बर्दाश्त कर सकते, क्या रह गया जो न बर्दाश्त कर सकते। और मसाइल में क्या नहीं की जा सकती है, हमेशा मुझे ने मेरी जबान से सुना हो कि करबला में अगर जंगे मौजूदा होती और एकदम से सब शहीद हो जाते तो हमारे लिए आंसू बहाने के लिए बरतिए थे मुसीबत तो वो भी काफी था, लेकिन ये जौहर इख्तियार सब्र नमूदार न होता जो करबला की तदरीजी रफ्तार मसाइल में है। देखो अर्थात सब चले गए, अब भी ईमान इकरार बैत करके अली अकबर की जवानी को बचा सकते हैं, अब भी अब्बास ऐसे बावफा भाई को बचा सकते हैं। मगर किसान ने अपने अमल से जाहिर कर दिया, और इसको मैं कभी यूं कहता हूँ कि ईमान हुसैन शाह के सामने एक तराजू न सकती एक मीजान न सकती जिसमें एक पल्ले में हक था ये तो बदलने वाली चीज नहीं, और दूसरे पल्ले में कुर्बानियां आ रही और मौला अपने अमल से साबित कर रहे थे कि हक का वजन मेरे नजदीक ज्यादा है, ये कुर्बानी भी मुझे गवारा है,
जो कह रहा है उसके बाद तक एक पल्ले में कभी कभी भी मुजाहिद की रिफाकत आई, कभी मुस्लिम ने सजा की वफादारी आई, उसमें फैसले होते रहे, और जब दिल के टुकड़ों की बारी आई तो एक पल्ले में वही हक और इस्लाम और दीन, और दूसरे पल्ले में यतीम भतीजा, और वो कौन कासिम इब्ने हसन, और कैसा भतीजा जिसके लिए सादिक मुजीब की रिवायत है कि जब मैदान जंग में गए तो फौज दुश्मन के सिपाही ने कहा कि सरज औलामन कान वजलु कलकतो कमर, एक ऐसा बच्चा निकला जैसे चांद का टुकड़ा। अब जो दुश्मन की निगाह में चांद का टुकड़ा हो तो चचा की निगाह में क्या था, वो बुबी की निगाह में क्या था, वो देवा माँ की निगाह में क्या था। मगर नाम ने दिखला दिया कि देखो ये कुर्बानी भी मुझे गवारा है, मगर वकार हक को डर न आए, सब को सदमा न पहुंचे। अब वो मंजिल आई जब एक पल्ले में वही दीन इस्लाम हक, और दूसरे पल्ले में बपाए अब्बास, और मौला ने अपने अमल से साबित कर दिया कि देखो ये कुर्बानी भी मुझे गवारा है, अब्बास की आदत भी गवारा है। हाँ हाँ कमर जरूर टूट जाएगी मगर हिम्मत नहीं टूटेगी, कमर शिकस्ता हो जाएगी हिम्मत शिकस्ता नहीं होगी। और अब हाँ एक पल्ले में वकार इस्लाम और दूसरे पल्ले में शबाब मोहम्मदी रसूलुल्लाह की तू बहु जवानी, और हुसैन ने यही तो तारुफ कराया था कल कर चुका कि परवरदिगारा गो जा रहा है, जो सूरत और सीरत और रफ्तार और गुफ्तार में तेरे रसूल से मुशाबिह है। मगर हुसैन ने अपने अमल से दिखा दिया कि ये कुर्बानी भी गवारा है, और अरबाब अदा फिर साबित कर दिया कि मेरी हिम्मत की कसरत नहीं हुई। देखो अब दुश्मन के इल्म में मेरे पास कुर्बानी नहीं है क्योंकि सकाली हो चुकी, अब उसे कोई नजर नहीं आता जिसे मैं भेजूं, मगर देखो मेरी हिम्मत है अभी कुर्बानी की कि मैं ढूंढ कर कुर्बानी ला दूंगा, चाहे वो घरवाले की आहोश से हो, चाहे खुशी की गोद से हो, चाहे माँ की गोद से हो, मगर मैं कुर्बानी पेश कर दूंगा। और अरबाब अज़ा ये देख लीजिए कि हुसैन की हिम्मत का क्या जिक्र, इनके हाथों में राशा भी नहीं है, यूं बाग वक्त कह दिया जाता है कांपते हाथों पर मौला ने बयान किया, मगर मैं कहता हूँ दरमिनाए वाकया देखिए क्या मौला के हाथ कांप रहे थे। याद रखिए कि जितना निशाना मुख्तसर हो उतना तीर का खता करना आसान होता है, अगर कदम पीछे हटता तो तीर खता करता, अगर हाथ को जुम्मी सोती तो तीर खता करता, मगर ना कदम पीछे हटता ना हाथ को जुम्मी सोती तीर ठीक निकालने पर तो आ बन कल रो कभी ये अल्लाह ये देने में सच्चा हाथ को रोटेंशन।